परम पूज्य गोलोकवासी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं, कहते थे कि भगवान को पाने से भी ज्यादा कठिन है आज मनुष्य का सरल होना। एक बार इंसान ठाकुर जी को तो पा सकता है, लेकिन सरल नहीं हो सकता, बहुत कठिन है। तो पहला सूत्र क्या कहता है कि अपने आप को हमेशा छोटा समझो और तरो रिव सहिष्णु ना। वृक्ष देखा है आपने, वृक्ष के तरह सहनशील बनिए, जो बाढ़ में भी धरती से जुड़ा रहता है। अब कोई विशेष ही महाराज कोई आ गई तो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर वृक्षों की सहनशीलता आंधी तूफान में भी अपने स्थान पे अपनी समस्याओं से घबराता नहीं है। भले ही कभी झुकाव अगर आ जाए, जोर हवा हो तो वृक्ष नीचे की ओर झुक जाए, लेकिन फिर ऊपर आ जाता है। तो समस्याएं अगर आती भी है आपके जीवन में, तो प्रयास कीजिए कि उन समस्याओं को हम वृक्ष के तरह सहनशील बनकर के, क्रोध अगर आता है आपको तो उस समय मुस्कुरा दीजिए। जैसे मुझे अगर कभी कभी क्रोध आता है तो मैं क्रोध के मारे मुस्कुरा देता हूं, प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसे आपने देखा होगा कि एक इंसान जो है क्रोध में क्रोध नहीं करके मुस्कुरा देता है कि अरे इन पे क्रोध हम क्या करें अब। तो वो अगर सब पे लागू होने लग जाएगा ना, तो फिर आप कभी क्रोध करोगे ही नहीं। बहुत से परिवार में ऐसे लोग होते हैं कि जिन पे क्रोध आते समय जानते हैं हम कि ये गलती कर रहा है, लेकिन उसे बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा ऐसा रिश्ता बन जाता है फिर कि बोला नहीं जाता है। तो उसी लिए कि अगर कभी क्रोध आए तो प्रेम से मुस्कुरा दिया करो, प्रेम से बोलो। खा पी के तो नहीं बैठे आज आप लोग, पक्की खबर है कि घर में बहू नानी ने दिया नहीं है आज। हाँ, अरे काय को महाराज शर्म करते हो, प्रेम से बोलो ना राधे राधे। यहां मैं तो जब पंडालों में कथा करता हूं, जहां हजारों की संख्या भी रही है, तो जब उनको उनको भी मैं कहता था ना कि राधा रानी के नाम को लिया करो, तो वो भी शर्माते थे। उनसे भी मैं कहता था और आपसे भी कहता हूं कि जिसने किए शर्म उसके फूटे, तो क्यों फोड़ते हो? मंदिर में बैठे हो तो कर्मों को बनाने के लिए बैठे हो, फोड़ने के लिए क्यों बैठे हैं? बिल्कुल त्यागिए इस चीज को, प्रेम से बोलो। तो त्रिनादपि सुनीचे तरो रिव सहिष्णुना। वृक्ष के तरह सहनशील बनिए। कोई पत्थर मारता है अगर वृक्ष की ओर फल तोड़ने के लिए, तो सबसे पहले वृक्ष उसे ही फल देता है, तुम तो ले जाओ, चलो जाओ, सीख लो। अमानी ना मान देना, सम्मान के काबिल अगर कोई नहीं भी है फिर भी उसका सम्मान करो आप, इससे आपका वजन भंग नहीं होगा। बहुत बार हम सुनते हैं कि ये तो ठीक व्यक्ति नहीं है, आचार विचार इसके ठीक नहीं है। अगर हम किसी के बारे में ऐसा भी सोचेंगे तो हमारा वजन खराब होता है, हमारी भक्ति कमजोर होती है, क्योंकि हमने यहां पे किसी की निंदा कर दी। भले ही वो व्यक्ति किसी भी विचार का हो, कैसे भी आचरण रखता हो, उसका स्वभाव कुछ भी सही, हम अगर उसके स्वभाव पर किसी
निंदा रूपी टिप्पणी अगर कर रहे हैं तो हमारा वजन भंग होता है। किसी की निंदा नहीं होनी चाहिए हमारे मुखारविंद के द्वारा। और कीर्तनीय सदा हरि, जीवन की हर परिस्थिति को ठाकुर जी के नाम से सजा करके रखिए। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर परिस्थिति में प्रभु के नाम का स्मरण हो।